दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय मंडी में भाषा अध्यापकों के 37 पदों के लिए शुक्रवार को काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस काउंसलिंग में पूरे प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। भाषा अध्यापकों के 37 पदों के लिए की जा रही काउंसलिंग में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय मंडी में काफी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थियों की भीड़ रोजगार पाने के लिए उमड़ पड़ी। चंबा, किन्नौर, शिमला और अन्य दूरदराज के जिलों से आए हुए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला चंबा, ऊना और हमीरपुर से आए हुए अभ्यर्थियों ने सरकार से आग्रह किया है कि जिला वाइज ही सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई जाए, या जिस जिले के नजदीक दूसरा जिला पड़ता है तो उन दो या तीन जिलों की काउंसलिंग एक ही डिस्ट्रिक्ट में करवाई जाए। वहीं प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अमरनाथ राणा ने बताया कि काउंसलिंग में अलग अलग कैटेगरी के 2001, 2005 और 2006 के पास आउट अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। जी, आज यहाँ पे जो है, जैसे अभी यहाँ पर हो चुका है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी यहाँ पर आ रहे हैं लोग बैच वाइज इसके लिए काउंसलिंग के लिए, पर जैसे अब 2005-06 तक बुलाया हुआ है, अब देखते हैं भीड़ ज़्यादा है तक बैठ जाता है किस किस का। हाँ, ये तो है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद उस डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनका पहले आना चाहिए बैच वाइज नंबर, पर चलो सरकार ने अगर ऐसे दिया है तो ये भी ठीक है, क्योंकि वो देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग या फिर जो बी एड का सन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, वो भी ठीक है। ये तो है, ये तो हो गई फिर, ये फिर हमें भी फायदा है कि हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके दे सकते हैं। ऐसे हम ऊना से, ऊना के तो ऊना से ही देंगे, पर ऐसे आप ऊना में भी मंडी के भी आ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं, तो ठीक है। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग काउंसलर बनाए हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाकी जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग में जो भाग ले रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। व्यवस्था भीड़ को जो अब इन्होंने जो अब काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे मंडी के लिए अभी जो एक काउंटर लगा हुआ था तो इन्होंने क्या भी जहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी उसके लिए अलग से व्यवस्था इन्होंने जो वो वहाँ से करते हैं, तो ऊना के लिए जो काउंटर लगा हुआ इसमें अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो 13 का शायद 13 के हैं एल टी के बैच वाइज, तो बहुत सालों के बाद जो इन कैंडिडेट को मौका मिल रहा है काउंसलिंग में एल टी टीचर लगने के लिए। पप्पू ठाकुर है जिला चंबा से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मंडी बहुत दूर इलाका है, चंबा हमारा बहुत ही एक यहाँ से काफ़ी दूर है, और ऊपर से चंबा से भी 170 किलोमीटर अगर जो हमारा शॉर्ट रास्ता है वहाँ से भी आगे काफ़ी दूर है, तो हमें यहाँ चंबा से आने के लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली अगर हम लाहौल से आते हैं तो आजकल काफ़ी जगह लैंड स्लाइड्स होते हैं क्योंकि बारिश की वजह से, तो अगर सरकार ऐसा प्रावधान करती कि चंबा ज़िला के वही हेडक्वार्टर में या फिर उप रोजगार कार्यालय में अगर इस प्रकार की व्यवस्था करती तो हमें ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। जी सर, हम अभी 3 दिन पहले चले थे पांगी से, उसके बाद अभी हमें 20 रास्ते में रुकना पड़ता है, जैसे कुल्लू हमारा एक वहाँ पर रुकने का एक स्थान है, वहाँ से आगे फिर हमें यहाँ मंडी के अलग से फिर बस वगैरह लेने पड़ते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग है। हम हार्ड एरिया से आते हैं तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी ऐसी व्यवस्था की जाए, या तो हमारा हेडक्वार्टर वो भी हमारा काफ़ी दूर है, जैसे कि मैंने बताया कि 170 किलोमीटर हमारा पांगी से चंबा पड़ता है, अगर हम बाय लॉल से आते हैं यहाँ कम से कम हमें 200-300 किलोमीटर दूर सफ़र करके आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। बताने का सर ऐसा है कि अगर रास्ता ठीक हो तो 2 दिन लग जाते हैं, अगर रास्ता खराब हो तो वैसे हम जैसे सरकार कभी कभार ऐसी इन चीज़ों का आयोजन करती है तो वैसे ही हम नौकरी से आपको बैठते हैं अगर हम टाइम नहीं आने की। अरे जो कार्यालय है उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी का, इसमें लैंग्वेज टीचर के लिए काउंसलिंग रखी गई है, और ये जो रिक्तियां हैं ये 37 हैं, इसमें जो जनरल यूआर हैं अन्य जरब हैं वो 16 पोस्टें हैं, वो बैच हमने 2001 तक का बुलाया हुआ है। जनरल इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन में 4 रिक्तियां हैं, 2005 तक के लोगों को बुलाया गया है। शेड्यूल कास्ट अन्य जरब जो है वो 8 रिक्तियां हैं, 2006 तक के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। शेड्यूल कास्ट में जो बीपीएल के लोग हैं वो 1 रिक्ति है, उसमें 2006 तक के लोगों को बुलाया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेज में जो अनरिजर्व पोस्ट हैं वो 6 हैं, 2006 तक के बैच के लोगों को बुलाया गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेज जो बीपीएल है उसमें 1 रिक्ति है, 2006 तक के लोगों को बुलाया गया है।
और स्टूडियो टाइप में एक रिक्ति है उसको अप टू डेट जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। हमने अपने जो कार्यालय है उसमें 6 काउंटर लगाए हुए हैं। इसमें हमारे मंडी जिला के साथ साथ बाकी जिलों के लोग भी आते हैं, क्योंकि हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सभी जिलों के लोगों को इसमें ऐसी जो काउंसलिंग होती हैं उनमें शरीक होने के लिए जो है वो आदेश दिया हुआ है जी। काफ़ी अरसा पहले की थी, जो कुछ 37 रिक्तियाँ थी वो हमने स्मृति सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को दी थी, वो पोस्टें भर ली गई थी, और कोविड के बाद अब इन रिक्तियों को भरा जा रहा है, क्योंकि हमारे ज़िले में जो रिक्तियाँ थी वो खाली नहीं थी। तो अब हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से ये काउंसलिंग लेके हम लोग इन लोगों को जो है वो रोज़गार मुहैया करवाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। What does it take to be your best at Shulini University? You learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top-ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's number one private university.